व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीग्रेन डोसा। उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले हमने एक कप राइस लिया है, आप कौन सा भी राइस ले सकते हैं। 1/4 कप मूंग लेना है, साबुत मूंग लेना है। 1/4 कप चना दाल, 2 टेबलस्पून मूंग दाल, 2 टेबलस्पून मसूर दाल, 2 टेबलस्पून तूर दाल। सबसे पहले हम एक बोल में राइस डालेंगे, मूंग डालेंगे, चना दाल, तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल। सबको अभी हम पानी डाल के साफ कर देंगे। दो तीन बार पानी से साफ कर देंगे। को हमने दो तीन बार पानी से साफ कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको ओवरनाइट भिगने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो मिनिमम 5 से 6 घंटे भी इसको भिगा सकते हैं। हम इसको ओवरनाइट भिगने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट रखने के बाद हमारी दाल और राइस भीग गए हैं, आप देख सकते हैं। इसको अभी हम मिक्सी में ग्राइंड करके लेंगे। इसका हम अच्छे से फाइन पेस्ट बना के लेंगे। मिक्सी में दाल और राइस के साथ हमें हरी मिर्च पीसना है, अदरक, गार्लिक और 1 टीस्पून जीरा डाला है। इसका अभी फाइन पेस्ट करके लेंगे। बैटर बन के तैयार है। हमें इस तरह से सेमी थिक बैटर चाहिए। अब इसमें एज पर टेस्ट नमक डालेंगे। तो मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 1 टीस्पून हींग डालेंगे। इसको अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। डोसा के बैटर बनके तैयार है। इसको अभी हम साइड में रख देंगे। मल्टीग्रेन डोसा के साथ हम पीनट चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने इधर पैन लिया है। पैन में 1 कप पीनट डालेंगे। पीनट को हमें ड्राई रोस्ट करना है। पीनट को हमें जलाना नहीं है, बल्कि जब तक इसका कच्चापन चला नहीं जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसका अपने आप ही छिलका निकल रहा है। देखिए इसको और 1 मिनट हम इसको भूनेंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। पीनट भून के तैयार है। इसको अभी हम एक प्लेट में निकालेंगे। पीनट का हम छिलका निकालेंगे इस तरह से पीनट का हम छिलका निकालेंगे। अभी हम एक मिक्सी के जार में पीनट डालेंगे, साथ पुदीना डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, 2 गार्लिक डालेंगे, एज पर टेस्ट नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के लेंगे। पीनट चटनी बन के तैयार है। अभी हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अभी हम एक तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये चटनी के ऊपर अभी हम तड़का डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी पीनट चटनी बनके तैयार है। अभी हम एक डोसा तवा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अभी हम इस तरह से बैटर लेंगे, तवे के सेंटर में डालेंगे।
अब यहाँ डोसे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल छिड़केंगे। इसको अभी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। डोसा से अच्छे से पक गया है, अभी हम निकालेंगे। ये देखिए ये इजीली कैसे निकलता है। ये देखिए इसको अभी दूसरे प्लेट में निकालेंगे। इस तरह से बाकी के भी डोसे बना के लेंगे। दूसरा भी डोसा हमने बना दिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल छिड़केंगे और इसको भी अच्छे से पकने देंगे। मैंने मसाला डोसा की रेसिपी ऑलरेडी चैनल में अपलोड की है, या मेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने उधर बहुत सारी रेसिपी बनाई है, जैसे कि इडली है, अप्पम है, उत्तपा है, आप वो भी चाहे तो देख सकते हैं। और दो तीन तरह की चटनी भी बना दी है, वो भी आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। ये भी डोसा बनके हमारा तैयार है, इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। और हमने जो पीनट की चटनी बनाई उसके साथ इसको आप गरम गरम खाइए। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।